हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, विवाह पंचमी आने वाली है। इस बार जो विवाह पंचमी है वो 17 तारीख यानी 17 दिसंबर 2023 में पड़ रही, रविवार के दिन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है? ये श्री राम और सीता की शादी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और शाम के समय जो है आप पूजा करें विधिवत। अगर व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं भी रखते तो भी आप उनकी शादी की वर्षगांठ जरूर बनाएं। अब वर्षगांठ कैसे बनाएंगे? उन दोनों का विवाह कराएं, शाम के समय चौकी स्थापित करें। अगर नहीं घर पे पूजा कर सकते किसी मंदिर जाएं जहाँ पर राम और सीता और माँ जानकी हो मतलब, और वहाँ पर जो है केसरिया रंग का झंडा चढ़ा दें, पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें, खुद भी पीले वस्त्र पहने और शाम के समय आप दिए जलाएं क्योंकि उनकी वर्षगांठ बना रहे हैं और विधिवत शादी कराएं उनकी। दोस्तों, ये काम तो आपने कर लिया, इसके अलावा आपको क्या करना है? विवाह पंचमी पर इनकी शादी की कथा जरूर सुने। इससे भी जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं और जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी के योग बनते हैं और दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहता है। कथा आप सभी को पता है लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए कथा सुनाना मेरा दायित्व बनता है। कथा इस प्रकार है। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ देवी सीता की जन्मभूमि जनकपुरी गए थे। यह वही शुभ समय था जब राजा जनक ने माता जानकी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भगवान राम भी शामिल हुए। माता सीता से विवाह करने के लिए स्वयंवर में कई शक्तिशाली राजाओं ने भाग लिया था लेकिन राजा जनक की यह शर्त थी कि जो उनके मौजूद भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा वही माता सीता के सयोग्य वर होगा। दुर्भाग्य से हर कोई उसमें असफल रहा लेकिन अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया। जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया उसके दो टुकड़े हो गए और वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था कि इतने शक्तिशाली लोगों ने धनुष नहीं उठा पाए ना तोड़ पाए तो श्री राम ने कैसे उठा लिया। इसके बाद विधि के अनुसार माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ हुआ। ऐसा कहा जाता है जो ये कथा सुनता है विवाह पंचमी के दिन और माता सीता और श्री राम की वर्षगांठ मनाता है उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, शाम के समय जो है आप वर्षगांठ बनाएं भगवान की प्रेम से और मंदिर जाएंगे दर्शन करें और घर में आप खीर पूड़ी बना सकते हैं। अगर खीर पूड़ी नहीं बना रहे तो बाजार से, जैसे कि मैंने बताया, पीले फल हैं, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें, पीले वस्त्र अर्पण करें और केसरिया तिलक लगाएं, इनका अभिषेक करें कच्चे दूध में केसर डाल के और केसर का ही तिलक करें, अपने माथे पर भी लगाएं, अपने खुद भी पीले वस्त्र पहने। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट से नमस्ते शिवाय जरूर लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।